हाय गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा था गाइस कि हमने एक बंदे का काफ़ी ज़्यादा पीटा था और उसके साथ में हमने चाइना डांस भी करा था और फिर आपका भाई चला गया थोड़ा बहुत फार्मिंग करने। यहाँ पे देख सकते हैं आपके भाई ने दोबारा से एक फर्नेस लगाया है। मुझे फिर भी डर लग रहा था यार कि कहीं इस बार भी हमारी फर्नेस टूट ना जाए, लेकिन चलो अपना लक थोड़ा अच्छा था गाइस, इस बार फर्नेस अपनी नहीं टूटी है और फिलहाल अपना एक ही फर्नेस बन पाया है। और क्योंकि अधिकतर लोग उस दिन ऑफलाइन चले गए थे, ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत फार्म करा और फिर कुछ लोगों ने भी थोड़ा बहुत फार्म करा, लेकिन वो इधर उधर की लोग हैं और उनकी फार्मिंग सारी चली गई। मेरी भी फार्मिंग एक बार चली गई थी गाइस, लेकिन मैंने सोचा यार कम से कम ऑयल तो लेके ही जाना होगा, नहीं तो फर्नेस कैसे बनेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती मतलब कुछ थोड़ी सी और ज़्यादा देर रुक के फार्म करा और फिर ऑयल लेके मैं सीधा बेस पे आ चुका हूँ। ऐसे कुछ खास फार्मिंग तो हुई नहीं अपने पास, लेकिन हाँ अभी अपने को ज़रूरत है गाइस एक अच्छे से बेस की। और ये 2x2 का बेस अपना नहीं टिकने वाला क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्वर है, ये इजीली रेड हो जाएगा। तो मैं सोच रहा यार क्यों ना थोड़ी बहुत और फार्मिंग करते हैं और साथ में अपने बेस पे भी ध्यान देते हैं और कुछ अपना वर्कबेंच वगैरह भी अपग्रेड वगैरह करते हैं ताकि हम लेवल जब 5 करें तो ग्लाइडर वगैरह भी इजीली बना सके। तो अभी चलो गाइस फटाफट से, जैसे ही मैं रोड पे आया था फार्म करने, यहाँ पे सामने एक बंदा दिख गया। पता नहीं यार ये छुप छुप के मतलब इस तरह, तो मैं सोचा पहले इसका नाम देख लेना चाहिए, लेकिन बंदे ने तो यार डंडा निकाल दिया था भाई, तो मैं तो भाई इसको काट ही डालूंगा। आज मेरे को डंडा दिखाता है, ये तो गया गाइस, इसकी तो हालत में ख़राब कर दूंगा। आ जा आ जा, ये देखो इसको मैंने मुर्गा बना दिया, ये देखो भाई। भाई एक बार बताऊँ यार, इस गेम में ना जब किसी को आप नॉक करते हो मुर्गे जैसा दिखता है मेरे को, कौन कौन का सिर्फ अगर वो करें ना तो और भी मजा आएगा, लेकिन करता नहीं है यार। सामने यहाँ पे कुछ बेस भी मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे वंडन फैक्ट्री के पास में, आई थिंक इसे हम रेड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने पास एडवांस वर्क बेंच भी नहीं है और साथ में अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी भी है। तो देख रहे हो अपने पास स्पेयर भी अभी 111 ही मैंने फॉर्म करा, ज़्यादा नहीं हो पाया, तो अभी मेरे को लगभग 1000 स्पेयर भी चाहिए होंगे। तो मैं सोचा यार जब वंडन फैक्ट्री के पास आ ही गए तो यहाँ पे इजीली ये गाइस आपको ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाता, तो मैं सोचा चलो भाई फटाफट से हम ग्रीन कार्ड वगैरह निकालते हैं, यहाँ से लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, अपने को कुछ थोड़ी बहुत सप्लाई चेस्ट वगैरह मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लूटेड है। एक मिनट यार, ऊपर किसी की चेस्ट पड़ी हुई है, ये देखो भाई इसकी सिर्फ खोपड़ी है, अंदर की चीज़ें लूटेड है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है अंदर, यहाँ पे भी है। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी मतलब पहले लड़ाई हो चुकी है इसका मतलब, ठीक है। और ये जो चेस्ट होती है ना, मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये 30 मिनट तक रहती है, ठीक, 30 मिनट के बाद आपको ये चेस्ट दिखती नहीं है। यहाँ का देख लो भाई, यहाँ का जो गार्ड है वो मेरे पीछे पड़ चुका है भाई, इसको तो आज मारूंगा भाई। इससे एक चीज़ मिलती है जो बहुत ही काम की होती है, वो है स्टोरेज बॉक्स, ठीक है, वो स्टोरेज बॉक्स मेरे को चाहिए और उसे मेरे को लेके जाना है अपने ऑपरेशन बेस में, इसलिए मैं उसकी जुगाड़ करने की जगह। अरे भाई ये तो चीटिंग है यार, यार ये सच्ची में चीटिंग करता है भाई, देख रहे हो, मतलब मैं सोचा इधर से मुड़ जाएगा, ये आके इधर से आके घूम के मारा। भागो 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 भाई भागो, कितना दौड़ आएगा। एक मिनट यार ये फंस क्यों नहीं रहा, एक मिनट मैं इसको फंसा के किल करने वाला हूँ। देखो कहीं पे भी आप इसे इजीली फंसा कर आप इसे किल कर सकते हो, ठीक है, तो अभी मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। भाई ओ भाई फंस गया, फंस गया यार। चलो अपने पास ये तीर वाला, मैंने सोचा चलो उसी से मारते, लेकिन एक ही थी यार अभी फिलहाल मेरे पास, ज़्यादा थी नहीं। एक मिनट गाइस, काम नहीं बना। ओके ओके चलो अभी तो ये किल होगा पक्का। आजा आजा, ओ भाई भाई एक फटके और लगा दिए इसने मेरे को, तो गलत बात है यार। ओ भाई यार मेरा सारा सामान गया यार, इसने तो अपने साथ चीटिंग कर लिया भाई, देख सकते हो यार मैंने इतनी मेहनत से फार्मिंग करी थी यार, सेट यार। चलो एक काम करते गए, जब भी फटाफट से हम अपने घर पे स्पॉन हो गए हैं और मैं फटाफट से जितनी स्पीड से जा सकता हूँ मैं जा रहा हूँ उसी जगह कि मेरा सामान सारा मिल जाए यार, कहीं दूसरा ही नेमी आके ना मेरा सामान सारा लूट के लेके चला जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से फार्म करा था यार, इतना सारा मतलब स्पेयर वगैरह मैंने इकट्ठा करा था। अगर ये रैंक सर्वर होता ना गाइस तो मतलब इतना मतलब ज़्यादा दुख नहीं होता भाई, इस सर्वर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही फार्म करने में यार, क्या ही बोलूँ यार, हालत ख़राब हो रखी। चलो अपने एक दोस्त ने वहाँ पे बैग दे दिया है, तो अभी मैं इसके बैग में स्पॉन हो गया था,
ने बोला कि इनके भाई मैं यहाँ पे आपको बैग दे देता हूँ नजदीक में, तो मैं बोला चलो भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अपने लिए भाई। अभी चलो गाइस जल्दी से हम अपने कहाँ पे किले हैं तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से अपना सारा सामान उठाते हैं फटाफट से। एक मिनट यार, इसको फिर से भाई, इसको इसने मार दिया यार, सिट यार, तो उसे पंगे क्यों ले रहा है भाई यार। आई थिंक इसने उसे देखा ना हो शायद, इसीलिए इससे मार दिया यार। ये अभी मेरा भी पीछा कर रहेगा जब देख सकते। चलो मैं फटाफट से अपना सामान उठा लेता हूँ यार जल्दी जल्दी से। ओके ओके ओके, कहीं दोबारा तो नहीं आएगा ना मेरे तरफ। एक मिनट यार, चलो मैं सामान उठा। अर ओ भाई उतने दूर से कैसे, शिट यार, इतने दूर से कैसे मारता है भाई कोई, ये तो गलत बात है भाई, इतना दूर से कौन मारता है यार। ओ भाई एक दूसरा बंदा भी आ चुका है, मेरा सामान तो लूट गया भाई इस बार। मुझे नहीं लगता गाइस जाके कोई फायदा है यहाँ पे अब दोबारा किल होने के बाद। देखो मेरी फिर से सारी मेहनत बर्बाद हो गई यार, ये मेरा सामान आके लूट लिया यार, शिट, मेरा मूड ऑफ हो गया भाई। कोई ना गाइस, लेकिन मैं अब मैं पक्का कहता हूँ भाई इसे तो मार के छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। मैं एक बम्बू बनाता हूँ पहले, रुको अभी तो गया, नेम ही तो लेके गया भाई मेरा सामान सारा। अब मैं लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा भाई, उतने दूर से कैसे मार रहा है भाई उसने मेरे को अभी तक। आजा आजा आजा, इस बार तो मैं उसको चाहे जैसे भी होगा मैं उसको मारने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। इसके लिए एक बार और मरेंगे मरेंगे, लेकिन इसको मैं मारूंगा जरूर। इसने मारा कैसे भाई, इतना दूर से कैसे मारा भाई। तो देखो मेरी थोड़ी बहुत सामान यहाँ पर लूट बची हुई थी, उस बंदे से जितना सामान हो पाया उसने उठा लिया, बाकी जो भी फालतू सामान थे उसको उसने छोड़ दिया। ओ भाई ये यार तो यहाँ का बहुत ही कुछ ज्यादा ही दमदार है भाई ये बंदा तो एकदम। हाँ फंस जाए, एक बार खाली फंसना फंसना बस। अरे यार निकल गया, कोई ना मारेंगे गाइस मारेंगे उसे, डोंट वरी। आजा 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 आजा, कम ऑन आजा, इसको इधर ही फंसाएंगे हम। नहीं फंस रहा, कोई ना फंसेगा तो जरूर भाई तू। यार मेरे इतने दो तीन साथियों को भी इसने मार दिया, साथ में मुझे भी मारा भाई, और मेरा सारा सामान भी चला गया इसके चक्कर में। कहाँ आखिर गया कहाँ वो भाई, ये इधर से ही घूम के जा रहा है, एक फटका तो। ओ भाई इतने नजदीक में जाके कौन मारता है यार, अभी फिर से मैं किल हो जाता, लेकिन थोड़ा सा अकेले में बच गया भाई, 24 का हेल्थ बचा है सिर्फ, अभी तक रिटर्न नहीं किया। ओके अब तू तो गया भाई, इसी तरह फंसा के मार सकते यार। ओ भाई चिल्ला कैसा रहा मजा आ गया मार के इसको लेकिन मेरी बहुत सारी चीजें लूट गई इसके चक्कर में यार। छिट, एक से 11 स्पेयर से 5 स्पेयर पे आ गया, इन सब की मैं देखता हूँ क्या। ओ भाई सामने एक बंदा है, आई थिंक वो वही बंदा है। चलो मेरे को एक शॉर्ट गन तो मिली इससे, इसी शॉर्ट गन से उसको मैं बजाऊंगा। एक मिनट यार, यहाँ पे भी कुछ पेटियाँ वगैरह पड़ा हुआ है देख सकते हो। आजा 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 आजा, एक बार दिखा चेहरा, यहाँ से उछल के मार सकते हैं क्या इसको। ओ भाई डैमेज हुआ बंदे को, यहाँ से उछल के भी आप मार सकते हो। देख रहे हो बंदे डर के मारे उधर भाग गया, इसको भी लग रहा है यार कि मेरे पास शॉर्ट गन है लेकिन उसमें बुलेट नहीं है। देखो ये आ रहा, डंडे निकाल लिया इसने। ओ भाई आ गया नीचे की साइड, डर के मारे भाग गए ये दोबारा से। इसको तो मैं पूरी हेडशॉट मारने वाला हूँ यार, चाहे जो हो जाए। देखना एक ही गोली है ये गाइस। हाँ सही गया भाई, बंदा भी बोल रहा था भाई क्या चकमा देता है बंदा, गन निकाल के डराता है उसमें। ये सोच रहा होगा गाइस कि इसमें बुलेट नहीं है यार। ये वही बंदा है जिसका हमने कल पीटा था और ये फिर हमारे लीजन में आ गया। चलो यहाँ से तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे पास फार्मिंग थी गैज वो उससे तो हमने खो दिया बेफालतू के यार। अभी अपन ने सोचा है गैज कि अपना एक घर बनाएंगे, वो भी थोड़ा सा जो घर है गैज उसको थोड़ा और मजबूत करेंगे इस घर को। ये जो सामने बेकार का घर पड़ा हुआ है इस घर को पहले तोड़ के हटाएंगे ठीक है, क्योंकि ये हमारे घर के काफ़ी नज़दीक बना हुआ है, तो इतना नज़दीक बना हुआ है तो हम अपने घर को कैसे फिर बढ़िया से बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना, तो इसीलिए हमें उसे तोड़ के हटाना ही होगा। और एक मिनट गाइज मैं पहले इसमें पासवर्ड डाल दूँ अपने, क्या था भाई पासवर्ड। ओके
अभी चलो अभी फटाफट से मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास 172 है यार इस पर, तो एक काम करते हैं ना यार, पहले हमें एक ड्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत है, तो हम फटाफट से अपनी एक ड्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, हो रही है जिसमें 75 स्पेयर लगते हैं ड्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और फिर हम किचन नाइफ की रेसिपी को लर्न कर लेंगे, जिससे कि हमें मतलब फार्मिंग वगैरह करनी थोड़ी सी इजी हो जाए, मेरे को थोड़े से स्पेयर और मिल गए। जैसे किचन नाइफ के लिए शायद 120 स्पेयर लगते हैं, आई थिंक 107 से काम नहीं चलने वाला, 120 लगेंगे और मेरे पास 13 स्पेयर घट जाएंगे भाई। देखिए यार अपनी ड्राफ्टिंग टेबल बनेंगे कि नहीं, आई थिंक बन गई। चलो ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा घुमाते हैं फिर यहाँ पे लगा देंगे, ये सही जगह है ना। ओके चलो ये सही से प्लेस हो गया, जो बैग हमने हटाया था इसको इधर यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। ये अपने 2x2 का बेस है जिसलिए थोड़ा सा छोटा बेस भी है, और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर भी नहीं सकते। देख लो यहाँ पे 120 स्पेयर लगता है, मेरे पास 107 ही है, तो मैं बोल देता हूँ भाई आप थोड़े से स्पेयर ले आओ, तब तक मैं बाहर में थोड़ा सा मतलब इस बेस को थोड़ा ठीक ठाक करने की ट्राई करता हूँ। और एक मिनट यार, मेरे पास ऑयल भी ज़्यादा नहीं है कि मैं दूसरी फर्नेस अभी फ़िलहाल बना सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल हमें एक ही फर्नेस से काम करना होगा, और हमें सबसे पहले तो वुड चाहिए यार, काफ़ी सारे वुड मेरे को मिल गए, सही है यार, ये सही चीज़ है कि वुड अपने पास काफ़ी सारा आएगा, जिससे कि हम अपने बेस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और फिर आराम से स्टोन वगैरह फार्मिंग करके फिर हम धीरे धीरे करके अपने बेस को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं इसकी मतलब सोचते कि बेस एक बार में बनाए तो पूरे बेस को भी एक साथ ही अपग्रेड करेंगे, ये गलती मत करना यार स्टैंडर्ड सर्वर में, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप बेस को भी थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, ठीक है, और उसे अपग्रेड भी थोड़ा धीरे धीरे करो। हाँ इस तरह बनाओगे कि आपका बेस भी बढ़िया मतलब सुरक्षित हो, मतलब प्रोटेक्टेड बेस हो, ठीक है, जो कि आपके सामान को सुरक्षा कर सके, और साथ में मतलब आपको तो आप कहीं पर भी सो सकते हो यार, तो आपको सुरक्षा करने की क्या ज़रूरत है, आपके सामान को प्रोटेक्ट कर सके एक अच्छा सा बेस बनाओ, ठीक है, और फिर उसे धीरे धीरे करके अपग्रेड करते जाओ, स्टोन आयरन फिर स्टील, अभी तो टाइटेनियम है तो टाइटेनियम भी कर सकते हो इजीली। और हाँ गए थे मैंने एक पोस्ट डाला था कि भाई ये सीजन 17 का वेटल पास कैसा लगा था, एक बंदे ने कहा कि जैसे आप ही ने लाया वेटल पास, ऐसा नहीं है भाई, मैंने जस्ट इसलिए पूछा था कि मतलब मुझे मन कर रहा था कि लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ, तो मैं सोच रहा था यार कि आप लोग क्या कमेंट करते हो, फिर उसी के हिसाब से लेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ही कमेंट करा काफ़ी अच्छा है वो वेटल पास, मेरे को भी अच्छा लगा, इस कारण अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक तो वर्क बेंच का स्किन है, साथ में ड्राफ्टिंग टेबल का भी दे देता तो और थोड़ी सी अच्छी बात होती, लेकिन नहीं है कोई नहीं। एक ग्रेनेड लॉन्चर का भी स्किन है, हाँ भाई वो भी मेरे पास नहीं है, तो एक दो चीज़ों की स्किन ऐसी आएगा जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम उसे अलग से लेने जाए तो 1200 टिकट तो लगने ही है, उससे ज़्यादा ही लग जाएंगे, तो यार ये सही चीज़ है, तो इसलिए मैं इस बार का बैटल पास ले आऊँ, वरना नहीं लेता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे लेने का कुछ खास मन भी नहीं था भाई, लेकिन क्या करे भाई, ले लिया मैंने फिलहाल। तो अभी उस बैटल पास को जल्दी जल्दी से इस बार कंप्लीट करेंगे, अगली बार तो मैंने बहुत लेट कर दिया था कंप्लीट करने, लेकिन इस बार नहीं। और हाँ गाइस 7 दिन का एक जो इवेंट चल रहा ना, उसमें मतलब आपको डबल बैरल शॉटगन निकालना चाहिए, वो काफ़ी अच्छी है स्किन है, ठीक है, वो फ्री में भी निकल जा रही, तो उसको आप निकाल लो, काफ़ी अच्छा है, मस्त है एकदम स्किन उसके। कार्निवल मिशन की तो मेरे को उतनी अच्छी लगती भी नहीं यार, मतलब आलतू फालतू चीज़ आते रहते हैं, मतलब चैट बबल तो ये तो वो, तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता गाइस। पहले अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, जैसे स्किन वगैरह है किसी गन वन की आ जाए, या फिर जैसे एडवांस गन्स वगैरह की स्किन दे दे भाई, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ यार। अगर एडवांस M4 ये सब की स्किन आ जाए भाई, फिर भी ना मज़ा आ जाना है भाई पूरी। अभी हम अपने बेस को थोड़ा ठीक ठाक करने की ट्राई मार रहे हैं यार, क्योंकि अभी अपना बेस जो है ना 2x2 में ही सिमट चुका है, ठीक है, और इस पर कभी भी रेड वगैरह हो सकता है इजली, तो मैं सोच रहा यार इसको थोड़ा अच्छा सा मैं कर दूँ अपने बेस को, और मतलब हमें इसे 3 या 4 फ्लोर का बनाना है भाई, ठीक है। तो अभी हमें इसे, अपने पास तो ऐसे वुड की कोई कमी नहीं है यार, तो अभी चलो अभी हम फटाफट से 3 फ्लोर का ही करते हैं, और कहीं कहीं पर हम डबल जो सेलिंग होते हैं ना वो भी डालेंगे, तो वो डबल सेलिंग हम कैसे डालेंगे, सिंपल सी है, जो गार्ड होती है ना उसे आप गार्ड को नीचे लगा दो, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड है और फिर एक हाल्फ है ना, तो ये जो 2 है इसको पहले नीचे लगा दो, फिर उसके ऊपर हाफ बॉल डाल दो, उसके बाद फिर आपकी डबल सेलिंग वाली मतलब बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप बना सकते हो डबल सेलिंग।
अभी मैं इधर बना देता हूँ डोर भाई, इधर से ऊपर छत पे जाने का रास्ता मैं डाल देता हूँ, ये सही नहीं है यार, हमें यहाँ पे सीढ़ी डालना ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो भाई हमारी बैटरी भी काफ़ी कम हो चल रखी है भाई, बैटरी भी चार्ज नहीं है यार, फटाफट से हमें बेस बनाना होगा, फिर हम ऑफ चले जाएंगे, फिर हम जब चार्ज करेंगे ना वही तब आएंगे। तो अभी पहले हम फटाफट से अपना बेस बनाते गए, क्योंकि अभी मेरी बैटरी ओनली 2% है, मुझे डर लग रहा है भाई कहीं इसकी चार्ज ख़त्म ना हो जाए भाई। इस गेम को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर खाता है भाई फ़ोन तो ऐसे। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना यार कि आप लोग जब इस ये गेम खेलते तो आपकी बैटरी कितनी चलती है, अगर पूरी फ़ोन की बैटरी फुल हो जाती तो उसके बाद आपकी गेम कितनी देर चलती। मेरी मतलब 4 या 6 घंटे लगभग चलती है, मतलब बैलेंस या HD पे मैं खेलता हूँ तो उस पर 4 या 6 घंटे चलती। आप बताना आपकी कितनी देर चलती है। ठीक है अभी एक काम करते हैं, मैं ऊपर जाने के लिए छत पे तो सीढ़ियाँ बना ही दिया हूँ, एक मिनट में नीचे से थोड़ी सी मेरे को वुड भी चाहिए था, साथ में एक चीज़ और भाई, ये नीचे का मैं डोर एक बार देख लूँ पहले भाई, यहाँ पे डोर लगाया नहीं है भाई, यहाँ पे भी डोर लगा देते हैं फटाफट से, यहाँ पे बीच में डोर नहीं लग रहा है, एक मिनट यार इन सबको हटाना पड़ेगा तब जाके लगेगा। आई थिंक मुझे इसे ऊपर ही लेके चला जाना चाहिए, ज़्यादा सही होगा ना भाई। देखिए एक बार बाहर से अपना बेस कैसा दिख रहा है, बाहर से अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है इसका, पहले चारों तरफ हम प्रोटेक्शन डालते हैं गाइस। ठीक है वो भी सिंपल है गाइस, प्रोटेक्शन डालना आप एक बॉल एक रूपी और सीलिंग का यूज करके मतलब इजीली बिना किसी ग्लिच का आप प्रोटेक्शन डाल सकते हो। ठीक है बहुत ईजी है, देखो अभी मैं यहाँ पर एकदम बहुत ही सिंपल से बता रहा हूँ एकदम किस तरह आप डाल सकते हो भाई, ये देखो एक मिनट यार मैं कहीं पीछे की आर ना फंस जाऊँ। चलो अभी ठीक है इधर से भी मैं डाल देता हूँ फटाफट से, ओके अभी सही है, अभी हम इधर से भी डाल देते हैं, क्योंकि अभी देखोगे जब आप इस तरह से प्रोटेक्ट करोगे ना अपने बेस को तो आपकी बेस ऐसे भी 2 या 3 लेयर की हो जाएगी। ठीक है आपको मतलब डबल वॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसके बाहर से एक डबल लेयर देने वाले हैं, वो मैं आज नहीं दूंगा मेरी, क्योंकि अभी बैटरी तो काफ़ी कम हो रखी है फ़ोन की, तो मैं उसे बाद में दूंगा, जब फ़ोन पूरा चार्ज हो जाएगा ना तब देंगे हम उसे। ठीक है अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना प्रोटेक्ट करके अभी छोड़ दूंगा, और अभी इसको हम 3 फ्लोर तक ले जाने वाले गए। ठीक है इसके बाद हम इसके बाहर से भी एक एक करके हम ये लगाएंगे डबल बॉल, बहुत ही इजी है गाइस डबल बॉल लगाना। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि भाई डबल बॉल डबल सेलिंग कैसे डालते, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको मैं बता दूंगा भाई कि डबल बॉल डबल सीलिंग और फिर कुछ चीज़ें जैसे कि किसी भी चीज़ों की लिमिट हटानी हो तो कैसे हटा सकते, जिससे आपका बेस में जब बेस बनाते बनाते काफ़ी लिमिट आ जाती होगी तो उससे भी आप इजीली हटा सकते हो। ठीक है तो मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत वुड की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप इजीली लिमिट हटा सको। अभी देखो अभी अपना बेस का लगभग काम पूरा हो चुका है। ठीक है अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी है जो कि अभी हम फटाफट से बहुत ही स्पीड में करते जा रहे हैं भाई, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी हम पहले प्रोटेक्शन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी जब हम ऑफ जाएंगे तो फिर कहीं अपने बेस पे रेड ना हो जाए, और अंदर का सारा हिस्सा हम ना भी स्टोन करने वाले हैं। ठीक है जितना भी स्टोन है, कुछ लोग अपने फार्मिंग कर रहे हैं तो ये सही बात है यार, और मतलब फटाफट से अभी हम इसको अपग्रेड भी कर देंगे ऑफ जाने से पहले, ताकि हमारा काम अच्छे से होता रहे। एक मिनट यार इसने शायद उल्टा डाल दिया था भाई, क्या पता यार, हाँ भाई लग रहा तो उल्टा डाल दिया इस बंदे ने, कोई ना यार अंदर में पैक कर दिया भाई इसने कार लोगों को। आ जा 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 बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा, हमें इस तरह से डालनी थी रूपी, ये देखो कुछ यहाँ पे सब उल्टे पुलटे डाल दिए इन्होंने। चलो कोई ना अभी हम इसको ठीक करेंगे यार, इसको पहले तोड़ा यार, हाँ अभी आ जाओ ये देखो अभी सही है ना गाइस, हाँ अभी ठीक लग रहा। चलो अभी हम इसको ऊपर की ओर लेके चलते हैं, पूरा ऊपर ऊपर एकदम सीधा, अभी हमें 2 फ्लोर और बनाते हैं। ठीक है तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे भी काम करते हैं अपना, ये लोग रूपी डाल रहे हैं, ओ भाई इन्होंने तो बॉल ही डालना स्टार्ट करे, चलो मैंने सोचा ये रूपी डाल रहे होंगे लेकिन इन्होंने बॉल ही डाल रहे थे, चलो हमें डाल देते यार रूपी। देख रहे हो यार कितने स्पीड में हम काम कर रहे हैं भाई, हमारी पानी की हेल्थ भी कम ख़त्म हो चुकी है भाई, प्यास भी लग रहा है मेरे को ना काम करते करते यार गेम में भाई, देख लो भाई 2 की हेल्थ बची है, 500 लीटर पानी मैं पीता हूँ गेम में, उसमें से 2 ही लीटर पानी अभी बचा हुआ है सिर्फ।
ओके गाइज, जो हमारा एक लास्ट जो फ्लोर है गाइज वो है विंडो वाला, ठीक है। तो विंडो वाले फ्लोर को हमने कुछ और ही सोच रखा है कि ये जो विंडो हमने पीछे की साइड लगा रखी है ना, इसको हम आगे की साइड लाएंगे, पूरी को तोड़ ताड़ के आगे की साइड करेंगे, और जहाँ पे भी हो सकेगा वहाँ पे हम डबल सीलिंग का जुगाड़ करने वाले हैं, ठीक है। कभी हम देखते गए कहाँ कहाँ पे हमारे डबल सीलिंग लगेगी तो हम उसी हिसाब से करेंगे। और ये भाई साहब मिस्टर आर्मी तो यहाँ पे लगा भी रहे विंडो आगे की साइड, तो देखते गए मैं अंदर की तोड़ देता हूँ यार, ये जब किसी काम की है ही नहीं तो इसको के रख के क्या फ़ायदा है यार। तो आगे की साइड ही लगा देते विंडो सारी, ज़्यादा सही होंगे ये देखो। और फिर जब हम डबल सीलिंग मतलब जो डबल वॉल जो डालेंगे बाद में, तो फिर उससे ये जो हमारा विंडो है वो भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है, जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो अभी चलो अभी हम फटाफट से अपने विंडो वाला काम करते हैं। ये देखो अपने विंडो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी डबल सेलिंग के कारण, चलो अभी लग गई ठीक से। अभी हमें ऊपर की साइड भी सेलिंग वगैरह डालनी होगी, अरे हट जा भाई, चलो ठीक है अभी हम डाल दिए फटाफट से। अभी हमें ऊपर की साइड भी सेलिंग वगैरह डाल देते हैं, ये देखो ऊपर की साइड यहाँ से, हाँ ये सही है ना, ऊपर जो आप रूफी देख रहे हो उसे हम तोड़ के हटा देंगे यार, ये किसी काम की नहीं है ये रूफी अभी तो फिलहाल हमारे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें छत पे जाना ही नहीं है, और मैंने छत पे जाने का रास्ता अभी नहीं बनाना है, क्योंकि मतलब जब ये अपग्रेड वगैरह कर देंगे, जब अपने पास स्टील लैडर वगैरह आ जाएगा ना, तो फिर हम ऊपर छत पे जाने का इजीली एक रास्ता बना देंगे बढ़िया सा। अभी फिलहाल मेरे को ऊपर छत पे जाने का कोई भी रास्ता नहीं रखना इस बेस में। ओके फाइनली हमारा जो रूफ ही था गाइज वो भी पूरा हो चुका है आप देख सकते हो, और जहाँ जहाँ पे हमने डबल सेलिंग डाली तो वहाँ पे भी हमने डाल दी है अच्छे से। अभी अपना काम यहाँ पे रह गया गाइज कि ऊपर जाके छत पे एक बार डबल सेलिंग को हम अच्छे से मतलब लगा दें, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो यार ये सारे रूफी वगैरह लगे पड़े, तो इन सबको भी हटा देते हैं या तोड़ ताड़ के, किसी काम की नहीं है अभी फिलहाल में हमारे अपने लिए। तो ये देखो गाइस यहाँ पे इजीली हमने डबल सेलिंग लगा दिया भाई। अभी डबल सेलिंग लगी कैसे गाइस, मैंने पहला ही बताया यार, इन्वर्टेड और ये जो है भाई मतलब कार्ड, इन सब को यूज करके फिर उसके ऊपर हाफ बॉल डाल के हमने इजीली लगा दिया था, ठीक है भाई। अभी हम आपको बाहर से दिखाते गए कि हमारा बेस थोड़ा बाहर से कैसा कैसा दिख रहा है, मतलब किस तरह से मतलब डिजाइन हुआ है। फिलहाल तो अभी इसमें काम बाकी है यार, मतलब इसमें अभी बाहर से डबल बॉल करना भी बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर से अपना बेस थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है देखने में, ये देख लो भाई। अगर बेस अच्छा लगा हो यार तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पर नए हो भाई लोग तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।